हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई हो। मैं प्रे करती हूँ, दिल से ब्लेसिंग देती हूँ कि ये त्यौहार सभी भाई बहनों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो आज का रक्षाबंधन मेरे घर में भी बहुत ही सिंपल सा रहेगा, लास्ट ईयर की तरह नहीं। लास्ट ईयर तो बहुत रौनक थी, दीदी यहाँ पे थे, तनु यहाँ पे थी, विशाल यहाँ पे था और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। लेकिन इस पैंडमिक की वजह से कोई कहीं जा आ नहीं रहा है, मैं भी नहीं जा रही हूँ एज़ यूजुअल। अगर मिठाई की बात करूँ तो हर बार की तरह थोड़ी सी मिठाई घर पे ही बनाऊंगी, तो थोड़ा थोड़ा मुंह मीठा कर लेंगे। ये दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेके चलते हैं स्टफी को पहले वॉक पे और उसके बाद आगे के काम करते हैं। शेफू आप वेट कर रहे हो मेरी, कहाँ जाना है, चले घूमी 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 चले, चलो फिर। हाँ स्पीड देखो, चलो जी। तो स्टफी गेट के पास मेरी वेट कर रहा है, लेकिन निकलने से पहले मैं अपना लेमन वाटर पी के ही जाती हूँ। आधे घंटे की वॉक होती है स्टफी के साथ, लेकिन स्टफी चलता कम है दौड़ता ज़्यादा है, तो उतने में मेरा क्लिंजिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। आज सुबह से ही हमारे एरिया में एक बहुत ही प्यारा सा मोर घूम रहा था, जिसे फिर मैंने कैप्चर किया। गुड मॉर्निंग, उठ गए, चलो नहाओ फटाफट जाके। लड़ने का काम है ब्रूनी, लड़ने का काम है। वाओ, व्हाट इज दिस। और ये है वो गिफ्ट हैम्पर जो जैस्मिन ने उदय के लिए ऑर्डर किया था, टाइमली पहुंच गया। हैप्पी राखी टू यू टू। आज तो सब लोग बड़ी जल्दी जल्दी उठ रहे हैं। ओहो, खुश रहो खुश रहो। मेरे भी छोटी बड़ी बहन हो, इज्जत भी है। अभी नहाकर रेडी होने में सबको वक्त लगेगा, तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी, बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। हाफ कप लिया है मैंने यहाँ पे देसी घी और एक कप डाला है बेसन, दो टेबलस्पून इसमें ऐड किए हैं सूजी। तो इतना ही पोर्शन आपको रखना है, जितनी क्वांटिटी आपने बनानी हो उसके हिसाब से आप रेशो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बेसन कच्चा रह जाए तो मुंह के साथ चिपकता है। अगर आप इसे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको घी कम लगे, लेकिन जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा ये घी छोड़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बेसन धीरे धीरे लूज़ होता जा रहा है, उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और कलर भी आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत डार्क हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, तो बेसन पक चुका है। चाशनी बनाने के लिए हाफ कप चीनी और 1/4 कप पानी चाहिए, और जिस बर्तन में बर्फ़ी सेट करनी है उस बर्तन में मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है। चाशनी बनने के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसको पकाते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल थिक होती जाएगी और इसके लिए हमें एक तार की चाशनी चाहिए होगी। और जैसे ही एक तार बनना शुरू हो जाए इसे उतार लें और बेसन में डाल देंगे। अब इसके बाद का प्रोसेस हमें बहुत ही फास्ट करना है, अदरवाइज बेसन जम जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया था जो मैं कैप्चर करना भूल गई हूँ। अब जिसमें हमने बटर पेपर लगाया है उस बर्तन में इसको हम डाल देंगे और इसको सेट कर लेंगे। बहुत ही थोड़ी सी बर्फी बनाई है बस अभी के लिए, कि अभी सब लोग मुंह मीठा कर लें, क्योंकि जैस्मिन ने जो गिफ्ट हैम्पर मंगवाया है उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तो उसमें से भी थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। थोड़ा सा क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट डालेंगे और सेट होने के लिए रख देंगे। आजकल मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपका फेस उतरता जा रहा है। डेली एक बास्केट अमरूद की उतर जाती है और सुबह सुबह सबसे पहले मैं और मम्मा ही अमरूद खाते हैं। कोई भी ऐसा ओकेजन हो तो दही वड़ा तो बनते ही हैं। तो दही वड़ा की अगर फुल रेसिपी आपको जाननी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही बस मेरी सब्जियां भी रेडी होती जा रही हैं, आलू पनीर मसाला और साथ ही धुली उड़द की दाल बना रही हूँ, जो ड्राई वाली दाल होती है, मुझे वो दाल बहुत पसंद है। बस मेरा भी अभी थोड़ा सा ही काम बाकी है, बच्चे अभी नहा रहे हैं रेडी हो रहे हैं, तब तक मेरा भी काम फिनिश हो जाएगा।
आधे घंटे में बेसन की बर्फी पूरी तरह से सेट हो जाती है और अभी तो कुकिंग करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए बस फटाफट इसके पीसीस काट लेते हैं और इसे साइड रख देते हैं। पापा की सिस्टर्स भी काफ़ी दूर रहती हैं तो कोई भी एक दूसरे के पास आ जा नहीं पाता है, इसीलिए जैस्मीन ही उनके बिहाफ पे अपने दादू को राखी बांधती है। अभी कहाँ बांधी राखी? तैयारी नहीं हुई है। हाँ, आज सबसे डिफरेंट कपड़े पहनने हैं दीदी ने, पता नहीं क्या बनी पड़ी है, क्या बनी पड़ी भाई। बहुत ही टाइम पे दीदी की कॉल आई थी तो कुलदीप जी ने उनको वापस वीडियो कॉल किया ताकि वो देख सके उनको राखी बांधते हुए। कुलदीप जी की उनकी सिस्टर के साथ काफ़ी अटैचमेंट है और उनका ये प्यार देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। गया है कहीं पे सैर करने, राखी बनवा ली है, अपना गिफ्ट भी ले लिया है पर मेरा नहीं आया अभी तक। है जैस्मिन, कैसी लग रही है आज? पूरी जट्टी लग रही है ना, अब तुझे बाहर जाना है, फिर तुझे 2 मिनट में अंदर वापस आना है। उदय ने जैस्मिन के लिए जो गिफ्ट मंगवाया था वो बाय चांस लेट हो गया है और इसीलिए उसे ये सब सुनना पड़ रहा है। और बस पापा खाना खा चुके हैं और राखी का बहाना लेके आज बच्चों को पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का मौका मिल गया है, तो बस बचे हम 3 लोग, मैं, कुलदीप जी और मम्मा, तो हम 3 लोग ही अभी लंच करेंगे। अंदर आना तुझे। और शाम को फिर बस थोड़ा सा आउटिंग का प्रोग्राम बन गया। चल मुटियारे चल, इस मुटियार दे नखरे निराले। जितने लोग भी जैस्मिन को सलवार सूट में देखना चाह रहे थे तो उनकी इच्छा जैसे मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। अब आप प्लीज मेरे चैनल आकर सब्सक्राइब करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें मेरी अच्छी अच्छी फोटोज देखने के लिए और घर के बहुत सारे ड्रामे देखने के लिए। बाय स्टबू, अच्छे से रहना, मम्मा को तंग मत करना। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने, आइसक्रीम खाने। बहुत आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम खाने नहीं जा रहे, हम बेला पंती करने जा रहे हैं। कोई काम नहीं है आज, काम है सिर्फ इनको। तो ये जा रहे थे थोड़ा बाहर, तो मैंने कहा हमने भी खुद को हवा नहीं लगवाई है काफी टाइम से, तो बच्चों ने भी कहा कि चलो चलते हैं, फिर थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, एक राउंड लगाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। इसको फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, मेरी कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी तेरे को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है। प्रोटेक्ट करना, इसको कोई समझाओ कि राखी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ऐसे बहुत टेररिस्ट मेरे ऊपर आ रहे हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा ये, बट वो होता कि आप एक अच्छे भाई का फर्ज निभाओ। Hey, स्मॉरी आ गए, चॉकलेट हो गया काम, चॉकलेटी बॉय, चॉकलेटी बॉय। बेटी अपने पापा को छेड़ रही है। हाँ, मैं बोल रहा था कि जब मैं छोटा था ना कि अगर मैं साइंस में गया ना तो मैं एक ऐसा चिप्स का पैकेट बनाऊंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। वो ड्रीम अभी भी है, ठीक है, वो मेरी लिस्ट में है। पर अब मैं सोचता हूँ कि ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊँ जो दीदी की सारी मोबाइल फंक्शंस को जैम कर सके, जिससे मैं इसको अपनी मर्जी से इसका मुंह बंद कर पाऊँ जब मैं चाहूँ। यार इतनी प्यारी दीदी है तेरी। ये होती है ब्रदर और सिस्टर की फाइट, और वो भी रखड़ी वाले दिन स्पेशली। इन दोनों को लड़ते झगड़ते देख के मुझे अपने भाइयों की याद आती है कि हम लोग भी किस तरह से फाइट किया करते थे स्पेशली। मार कुट करते थे हम नहीं। मार कुट तो होती थी हमारे जमाने में, तो पिटाई हो जाती थी एक दूसरे की, लेकिन आजकल बच्चे थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं। मेरी कितनी मार खाई है। हाँ, मेरी सिस्टर ने मेरे से बहुत मार खाई है सच में, हम बहुत झगड़ा करते थे, लेकिन वो प्यारी प्यारी रहे, अब नोक झोंक अब बहुत याद आती है, क्योंकि अब अलग अलग हो गए ना, तो अब बहुत मिस करते हैं उन सब चीजों को। अभी तुम लोग झगड़ा करते हो ना, फाइट करते हो, यही क्यूट सी फाइट तुम लोगों को याद आया करेगी जब तुम लोग एक साथ नहीं रहोगे, दूर दूर रहोगे। ये ना मेरी एक्टिंग की दुकान है, इधर पूरी पूरी एक्टिंग की दुकान है, और ये बचपन से ही ऐसी है। कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि ये ओवर एक्टिंग करती है, ये ओवर एक्टिंग, मैं ऐसी हूं, मैं तो करूं। ऐसी सच में ही ऐसी है ये, इसके बिना घर में हमारे रौनक भी नहीं होती है, ये नहीं होती है तो घर बिल्कुल सूना हो जाता है। और ये बात सुन के अभी जैस्मिन का 2 किलो खून बढ़ चुका है।
लगाती है उदय, उदय बोलेगा क्यों मैं रौनक नहीं लगाता। नहीं तू बहुत बोरिंग है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे जोक इग्नोर कर दिया। रहे हैं पेट शॉप, स्टफी के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। यहाँ से अब आए हुए हैं तो खाली हाथ क्यों वापिस जाए। चूपोन चाहिए? हाँ जी, साइज छोटे वाला ही चाहिए। 450 पहले मैं 400 लेके जाती हूँ। रेट बढ़ गए हैं। ये ठीक है, टूटने वाला ना हो, मतलब वो तोड़ देता है अपनी ना। ये नहीं टूटेंगे, मैंने ये ली थी उसके लिए, उसने ये भी तोड़ दी उसने। ये टूट जाएंगे पर ये नहीं टूटेंगे। हैप्पी बर्थडे निष्ठा, हैप्पी बर्थडे अगेन। थोड़ी देर के लिए जैस्मिन को उसकी फ्रेंड्स के पास छोड़ के हम लोग जरा निकल गए, क्योंकि उसकी फ्रेंड का बर्थडे था और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। कहते हैं अभी आ रही है, आइसक्रीम ऑन द वे है, चलते हैं फिर। छोड़ो है ना, छोड़ो। ध्यान से, ध्यान से। चलो मैडम, आइए जी, आइए, वापस आ गए आप। अच्छा नहीं, ये प्लेस टॉफी के लिए, क्या बात है। हाँ बच्चा, ओ मेरा बच्चा, बच 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 बच। स्टापू 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 पनी। खाना नहीं खाना? चलो आओ खाना खा, खाना खा लो पहले स्टफी। आज नहीं इसने खाना खाना, इसने खेलना ही है बस। चलिए स्टफी को खाना खाने देते हैं और हम लोग भी डिनर करते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।